श्री कृष्ण राधे श्री कृष्ण सदा गोपाल जी के ध्यान में तल्लीन माता जी श्री कृष्ण राधे श्री कृष्ण राधे का जप करती हुई हमेशा प्रभु में तल्लीन। अच्छा श्री कृष्ण राधे क्या बोला जाता है? हाँ कृष्ण मंदिर वृंदावन सभी भक्त लोग आए हुए हैं दर्शन करने के लिए लखीमपुर से। इस समय आरती चल रही है, हम लोग वृंदावन में हैं आज 2 मार्च। कैसे सब लोग विदेशी लोग भी भगवान के आगे नृत्य करते हैं। हमसे लोग पूछते हैं कि वृंदा भागवत कथाओं में नचाते हैं नाचते हैं, आप यहाँ देखिए यहाँ शंकर जी नाचते हैं गोपेश्वर बनते हैं, विदेशी लोग भी नाच रहे हैं किसके आगे? भगवान के आगे। जो भगवान के आगे नाचता है उसे संसार में नाचने की जरूरत नहीं है। हरे कृष्णा जय श्री राधे। मैं राधा माधव दास वृंदावन हरे कृष्णा टेंपल, इस्कॉन टेंपल भी बोलते हैं इसको और अंग्रेजों का मंदिर भी कहते हैं, यहाँ से बोल रहा हूँ। आज हम लोग मैं अपनी माता जी को और लखीमपुर से आए भक्तों को दर्शन करा रहा हूँ। देखिए वृंदावन में सब लोग नाच रहे हैं झूम रहे हैं, इसलिए भगवान के आगे नाचने के लिए कोई शिकायत न करें। मेरो वृंदावन रंगीलो वृंदावन रसीलो वृंदावन, जहाँ गोपी नाचते हैं ग्वाल नाचते हैं गैया नाचती हैं सब झूमते हैं वृंदावन। सूरदास जी कहते हैं अब मैं नाचियो बहुत गोपाल, कई हजार योनियों में नाचे हैं तो एक भगवान के लिए नाचे। जय श्री राधे। श्री राधा दामोदर भगवान जहाँ पर सनातन गोस्वामी जी ने भगवान की आराधना की और भगवान श्री कृष्ण ने गोपाल जी ने कन्हैया ने उनको गोवर्धन की एक शिला दी, उसी मंदिर में हम लोग आए हैं आज दर्शन के लिए। और बहुत प्यारा दर्शन है, इस मंदिर की 4 परिक्रमा करने से गिरिराज महाराज की परिक्रमा का फल मिलता है। श्री राधे। श्री राधा दामोदर के अंदर जो परिक्रमा है 4 परिक्रमा, यहाँ संतों की समाधियाँ बनी हुई हैं जिसमें श्री जीव गोस्वामी जी जी की समाधि है, सब संत भक्त हैं।
इस प्रकार से ये परिक्रमा, चार परिक्रमा लेने से गिरिराज जी की परिक्रमा मानी जाती है। राधे राधे जय जय राधे 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 जय जय राधे राधे। जय श्री राधे। श्री राधा कृपा बिहारी में दर्शन के लिए आए हैं माता जी के साथ में। जय श्री राधे। आज वृंदावन से गोवर्धन की यात्रा हम और हमारे सभी अतिथिगण और मेरी माता जी के साथ में हम लोग गोवर्धन की परिक्रमा के लिए जा रहे हैं। अभी वृंदावन में हैं। जय श्री राधे। बोलो राधे राधे। जय गिरिराज महाराज की जय। जय श्री राधे। गिरिराज जी के लिए हमको ऑटो वाले भैया मिल गए हैं और इनकी ऑटो में एक विशेषता है कि कन्हैया का कितना प्यारा सा स्वरूप इनकी ऑटो में विराजमान है, आप देखिएगा। बाकी सब पीछे बैठे हैं। यहाँ से छठी ग्रह गिरिराज जी में हमारा प्रवेश हो चुका है। बोलो गिरिराज महाराज की जय। नहीं यही तक सेवा है। गिरिराज जी आ गए हैं। यहाँ से हम लोग गिरिराज जी राधे राधे। हम लोग मानसी गंगा में आ चुके हैं। ये मानसी गंगा है, भगवान के मन से प्रकट हुई थी और यहाँ सबसे पहले आकर के कहते हैं मानसी गंगा को स्नान, तो यहाँ हम लोग स्नान करेंगे। देखो ये मानसी गंगा के फव्वारे लगे हुए हैं, बहुत सुंदर। कुछ लोग उसमें भी सरोवर में भी नहा सकते हैं। अरे नहीं, हमें ही इसमें दबा रखो, दबा तो है ना। राधे राधे। ये मानसी गंगा है, सबसे पहले यहाँ स्नान किया जाता है। अच्छा 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 ये बहुत अच्छे फव्वारे हैं। यहाँ मानसी गंगा में सब लोग स्नान करके फिर परिक्रमा देते हैं। हम भी नहाए हैं। राधे राधे। देखिए मानसी गंगा कितनी दूर तक जो है मानसी गंगा है। मानसी माने मन से प्रकट गंगा। इस समय हम विश्व के सुप्रसिद्ध पूजनीय स्थल गोवर्धन में है और जहाँ मान राधे राधे कर दीजिए। ये हमारे मानसी गंगा के मंदिर में जो है प्रसाद बांट रहे हैं, प्रसाद की सेवा करते हैं और अभी हमने यहाँ से दूध लिया है। हम लोग दूध चढ़ाने के लिए मानसी गंगा मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। आप देखिएगा यहाँ मानसी गंगा ऐसे। मानसी गंगा गोवर्धन जी का स्थान। मानसी गंगा एक रुपया आपकी मनोकामना।
राधे राधे। देखिएगा हम लोग यहाँ गिरिराज जी की परिक्रमा, अब मानसी गंगा से हम लोग जो है परिक्रमा मार्ग में आ गए हैं। ये भैया के जो है ऑटो में हम लोग बैठे हैं, ये ब्रजवासी हैं और आज हम इनकी गाड़ी में बैठे हुए हैं और पीछे भक्त लोग हैं। बस राधे 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 राधे। एक तरफ यहाँ पर देखिएगा राधे राधे बोलिए पहले तो, और ऐसे दर्शन आपको कभी कभी होते होंगे, बल्कि होते ही नहीं होंगे, लेकिन आज हमारे ऊपर कृपा हुई है तो हम बिल्कुल गिरिराज जी की बिल्कुल पास में, यही गिरिराज जी गोपाल जी ने अपनी कनिष्ठिका उंगली पे उठाए थे, बिल्कुल हम बिल्कुल गिरिराज जी के पास में हैं इस दिन बिल्कुल। ये मेरे गिरिराज जी महाराज हैं, सभी लोग बोली गिरिराज जी महाराज की जय। जय श्री राधे। ये है गोवर्धन की परिक्रमा में भगवान के सखा पूछरीखा लोठा का मंदिर, हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। ये भगवान के सखा हुए हैं जो भगवान के मथुरा जाने पर भगवान के मार्ग में लेट गए थे। यहाँ सब भक्त लोग दर्शन करते हैं, परिक्रमा करते हैं। जय हो पूछरी के लोठा की जय। हम सब लोग मिलकर के गैया को हरा चारा खिला रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे कितनी गौशाला है, गौ माता है, गिरिराज जी की गैया हैं। देखिए सब लोगों ने गाय की चारे की सेवा की है। यहाँ पर छोटी छोटी गैया हैं, देखिए। आगे गाय, पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बस वो ही भावे। चारों तरफ गैया हैं गैया, ये गिरिराज की महिमा है। ये कन्हैया की कितनी प्यारी प्यारी गैया है। बोल गौ माता की जय, गिरिराज महाराज की जय। जय श्री राधे। देखिए हम लोग मुखारविंद, गिरिराज जी की परिक्रमा का मुखारविंद, देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे, जतिपुरा भी बोलते हैं। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं, बहुत ही सुंदर दर्शन है। आप देखते चले जाइए स्टेटस हमारे, ये रास्ता जा रहा है मुखारविंद का, यहाँ अभिषेक होता है भगवान। बोलो गिरिराज महाराज की जय। ये मुखारविंद पे सबने जल चढ़ाया है, दूध अभिषेक किया है। जय जय श्री मुखारविंद की जय। बोलो गिरिराज महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। राधे गिरिराज जी में गुजरात के भक्त लोग आए हैं दंडोती परिक्रमा देने के लिए। देखिए गिरिराज जी की महिमा, सब दूर दूर से भक्त लोग आए हैं। दंडोती परिक्रमा चल रही है यहाँ लेट करके। जिस रज में ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता भी लेटते हैं, तो यहाँ सब श्री राधा कुंड श्याम कुंड पर भगवान गिरिराज जी की आरती हो रही है। जय जय श्री राधा कुंड धाम की जय, श्री श्याम कुंड धाम की जय। संतों के दर्शन, ये मेरे गिरिराज जी महाराज जी की परिक्रमा पूर्ण होने वाली है। जय श्री राधे। परिक्रमा पूर्ण हुई, यहीं से हम लोगों ने परिक्रमा उठाई थी, यहीं से ही परिक्रमा पूरी हुई थी। पूरी परिक्रमा हो गई है। राधे राधे।
जय श्री राधे। आज वृंदावन में दिव्य दर्शनों में सबसे पहले यशोदा नंदन धाम हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले ये देखिए यशोदा नंदन धाम, वृंदावन ब्रज की बहुत अच्छी शोभा, बहुत दिव्य। यहाँ यशोदा नंदन भगवान के रूप में विराजमान है। देखिए कितनी हरियाली, श्री यशोदा नंदन धाम, भक्त लोग भजन गा रहे हैं। श्री राधे। हम लोग भगवान शंकर जी के गोपेश्वर मंदिर में आए, जो गोपी बने थे और रास में आए थे भगवान। ये गोपेश्वर धाम, गोपेश्वर मंदिर, यहाँ भगवान शंकर जी गोपेश्वर बने गोपी रूप में। निराकार मोंकार मूलम त्रियम ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल गुणागार संसार पारम राधे शंकर गौरम गंभीरम मन। श्री राधे, ये है पावन बंसी वट, जिस वट के नीचे भगवान ने महाराज के लिए बंसी नाद किया था। समस्त गोपियां अपने समस्त कार्य छोड़ करके यही यमुना किनारे बंसीवट के पास कन्हैया से मिली। बंसीवट बिहारी भगवान की जय, शिरास बिहारी लाल की। बंसीवट स्वागतम ही महाभाग प्रियम किम करवाणी मां, धीर समीरे यमुना तीरे वसति वने वनमाली, गोपी पीन पयोधर मर्दन चंचल कर युगशाली। पावन जय श्री राधे। हम इस समय वृंदावन के कुंभ में हैं और कुंभ में हम लोग विभिन्न पंडालों में दर्शन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये स्वामी राजेंद्र दास जी का पंडाल है, जहाँ अनवरत हरे कृष्ण महामंत्र चल रहा है। वृंदावन की गौशाला श्री सुदामा कुटी, जहां सच्चे भक्त वहीं गौ माता की रक्षा। सभी गायें हस्त पुष्ट। राधे राधे। हम लोग वृंदावन के कुंभ में हैं, यहाँ धूम मची है हरि नाम की। देखिए कहीं भागवत चल रही है तो कहीं रासलीलाएं चल रही हैं। आप लोग भी आइए, वृंदावन का आनंद लीजिएगा। जय श्री राधे। बोलो भागवत भगवान की जय। राधे राधे। अब हमारा सबसे प्रिय जो वृंदावन का रस है वो है रासलीला। अब हम लोग देखिए रासलीला में आए हैं, सामने रासलीला चल रही है। हमारे रास बिहारी को देखिए, माँ की लाल लाल आंख देख करके हाथ में सांची देख करके ठाकुर जी उदास होकर बैठा दिया, धूप में बैठा दिया।
जी बरी अब आए मानो करब जानी ना बधावे मैया को जीवी लाओ सखियों लाओ जीवी भैया हमारे भगवान को छोड़ दो पैसा ले लो 20 रुपया अरे बाबा तू अपने रुपया ना ले। वृंदावन कुंभ की बहार जहाँ बड़े बड़े हिंडोले झूले और संतों के रासलीला मंडल कथाएं ये परिक्रमा मार्ग है जहाँ हम लोग अभी रासलीला देख करके चले हैं। देखिए जब भी हो जाती करुणा नजर बरसाना बुलाती है ये प्रेम देने में विख्यात है तो फिर डरने की क्या बात है राधा रानी मेरे साथ है तो फिर डरने की क्या बात है कोई कृपा की बरसात है। जय श्री राधे। हम बरसाना में राधा रानी के महल में हैं। अभी अभी आरती हुई है शोरी जी की, सभी भक्त लोग दर्शन कर रहे हैं आरती शहर में। यहाँ पद गाया जाता है धनी धनी राधिका के चरण के, सब आरती ले रहे हैं। आप भी आरती का दर्शन कीजिएगा और वहीं से आरती लीजिए मान से। राधे राधे, जय श्री राधे। हम लोग बरसाना में हैं आज और बरसाना में सुबह की 5:30 बजे की मंगल आरती में जा रहे हैं। देखिए राधा रानी की महल की सीढ़ियाँ हैं। जय श्री राधे। महल से मंगला की आरती का शंख बज रहा है। देखिए सीढ़ियों पे जय श्री राधे। राधा रानी की महल की ऊपर की सीढ़ियाँ हैं। सुबह सुबह सब लोग आरती के लिए आए हुए हैं। जय श्री राधे। राधे राधे। सुबह सुबह राधा रानी के महल के दर्शन कीजिए। सीढ़ियों पे
जय श्री राधे। राधे रानी की महल की ऊपर की सीढ़ियाँ हैं। सुबह सुबह सब लोग आरती के लिए आए हुए हैं। जय श्री राधे। राधे राधे। सुबह सुबह राधा रानी के महल के दर्शन कीजिए। जय श्री राधे। श्री स्वामी जी महाराज विराजमान, श्री नारायण भट्ट जी, श्री नारायण दास जी तपस्या स्थल, ये श्री राधा रानी का प्रकट स्थल है। आप लोग दर्शन कीजिएगा। इस स्थान से श्री राधा रानी जी श्री विग्रह रूप में प्रकट हुई। भक्त लोग दर्शनार्थी दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, परिक्रमा करते हैं। जय श्री राधे। जय श्री वृंदावन। जय बरसाना। श्री राधे। हम लोग बरसाना में प्रातःकाल राधा रानी के महल से आ रहे हैं दर्शन करते हुए। यहाँ पे चार मंदिर हैं विशेष। वृषभानगढ़, ये दानगढ़ है, ये दान बिहारी का यहाँ पे झूला है, मानगढ़ और विलासगढ़। विलासगढ़ उस पहाड़ी पे है, देखिए वो दिखाई दे रहा है आपको। तो ये चार गढ़ हैं। पर वन, मेरी राधा रानी के हृदय से प्रकट वन, श्री गहवर वन, श्री दान बिहारी जी और श्री मोर कुटी का रास्ता, जहाँ कन्हैया मोर बन करके आए। एक बार श्री राधा रानी महल से आई हैं मोरों के दर्शन करने के लिए, तो श्याम सुंदर जी उनके लिए मोर ही बन गए। तो ये उसी मोर कुटी का रास्ता है। श्री राधे। देखिए बरसाना में मोर कुटी, जहाँ भगवान स्वयं मोर बन के श्री राधा रानी को दर्शन देते हैं। मोर कुटी, ये मोर बिहारी जी का मंदिर है। यहाँ नित्य प्रति रास होता है। ये रास गद्दी है मेरे सांवरे की, कितना प्यारा सा दरबार है। मोर बिहारी मोर बिहारी श्री राधा रानी के चरण दर्शन मोरकुट के पास में। श्री राधे। श्री राधे। जय जय श्री राधे। किशोरी 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 राधे राधे। राधा रानी की जय। स्वामिनी जू की जय। जय जय श्री श्री राधा निकुंज बिहारी भगवान की जय। श्री श्री राधा निकुंज बिहारी लाल की जय। झूला झूल रहे हैं।
या प्रीतम जय जय श्री राधे जी प्रभु। सेवा लाडली की इनकी कृपा से ही संभव है। धन्य धन्य हुए श्री धाम बरसाना गहबर वन श्री राधा रस मंदिर श्री राधा रस कुंज श्री राधा रस मंडप गौशाला माता जी गौशाला के दर्शन कर रहे हैं आप, जहां पर 55,000 के समथिंग गाय हैं। ये गायों की कॉलम है, एक एक कॉलम में 500 से ज़्यादा गायें हैं। ये देखिएगा एक लाइन में की सेवा कर रहे हैं ग्वाले। एक गायें गिर गई तो उसको बचाने के लिए सहारा लगा रहे हैं। जय श्री राधे, उठ गई है। बोलो गीता गोपाल की जय, ग्वालों की जय हो, गायों की जय हो। माता जी गौशाला बरसाना, छोटे छोटे ग्वाले हैं यहाँ पर, सेवा करते हैं सभी। जय जय। उनका उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए, तो ऐसे ही आचार्य जनों का हम लोग उनके चरित्र का दर्शन कर रहे हैं श्री भगवान जी के माध्यम से, जो साक्षात श्री भगवान के आदेश से जीव कल्याण हित इस धराधाम पर प्रकट होते हैं, आते हैं, जीवों का कल्याण करते हैं। तो कल हम लोगों ने बाबा का नाम महिमान और दादी का नाम सुखदा। जब ब्रह्मान के संतान नहीं थी तो बाबा ने बहुत साल तपस्या की, तब राधा रानी उनको जमुना जी में से कमल के फूल में से प्रकट हुई थी। ब्रह्मान जी राधा जी को ले आए और राधा जी ब्रह्मान राधे। देखिए गोपाल जी दही माखन खाते हुए
और ये प्रसाद भक्त लोग ले रहे हैं, बरसाना श्री जी की सीढ़ियाँ। हम लोग अभी महल से आए हैं दर्शन करके और यहाँ सब भक्त लोग ठाकुर जी का प्रसाद ये देखिए खा रहे हैं। कन्हैया श्री राधे बरसाना से अब वापस अपने घर वृंदावन, वृंदावन से बरसाना, बरसाना से वृंदावन, यही है ब्रज का रस। बरसाने का मार्केट है कीर्तिदा मंदिर बरसाना। जय हो कीर्ति किशोरी की, जय हो। पास में ही रंगीली महल, रंगीली महल श्री जगतगुरु कृपालु जी महाराज श्री राधे। जय श्री राधे। बरसाना से नंद गांव होते हुए अब नंद भवन में जा रहे हैं, ऊपर सीढ़ियां चढ़ते हुए ये छोटा सा मार्ग नंद महल तक जा रहा है, जहां श्री आशेश्वर महाराज ने शिरोधार्य किया है। यहाँ पे श्री नंदीश्वर महादेव, जिन्होंने नंदगांव में स्थान मांगा था, नंदीश्वर महादेव। जय श्री राधे। आज हम सोने के खंभे वाला मंदिर देखने के लिए आए हैं, जिसको पुराना रंगजी भी कहते हैं। राधे राधे, जय श्री राधे। कृष्ण राधे नहीं जी, हम ही से ही पचास नहीं, हम यही से बालाजी का।